कर्नाटक राज्य के शिवमोगा जिले के बजरंगदल कार्यकर्ता हंस को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए गोलकुंडा जिला भाजयुमो अध्यक्ष नितिन नंदकर द्वारा एमजे मार्केट में कैंडल लाइट मार्च निकाला गया। भारतीय जनता पार्टी गोलकुंडा जिला अध्यक्ष मैं नितिन नंदकर और भारतीय जनता युवा मोर्चा गोलकुंडा जिला की टीम की तरफ से कल रात जिस तरह से कर्नाटका में बजरंग दल के एक ऐसे एक्टिव कार्यकर्ता जो लगातार देश हित में गौ माता की सेवा में और समाज की सेवा में लगातार 26 साल 27 साल की इतनी कम उम्र में हिंदू धर्म का एक सोच रखकर बनकर देश की सेवा के लिए निकलने वाला हमारा भाई, जिस तरह बुक में हर्षा ने एक पोस्ट डाली, पोस्ट डालने के दौरान वहां पर उसकी कार्रवाई हुई, हर्षा के ऊपर केस बुक किया गया और जेल में भी डाला गया और जेल में डालने के बाद रिहा होने के बाद कर्नाटका में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक गुंडों का ऑर्गेनाइजेशन है PFI, जिसने उसके चार गुंडों ने लगातार हर्षा के ऊपर नजर रखकर जब रात को हर्षा चाय पीने के लिए निकला तो धोखे से पीछे उसको जान से मारने का काम PFI के चार गुंडों ने किया। मैं कर्नाटका की सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि जिन दरिंदों ने हर्षा जैसे एक हिंदूवादी कार्यकर्ता को जान से मारने का जो काम किया है, जल्द से जल्द PFI के जो चार गुंडे हैं उनको जेल के सलाखों में डालकर फांसी की सजा लगाने की जरूरत है, क्योंकि देश हिंदू और मुसलमान सिख ईसाई, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर देश को चलाने का काम कर रहे, लेकिन कुछ षड्यंत्र ताकतें, कुछ षड्यंत्र लोग हिंदुस्तान का माहौल खराब करने के लिए गौ रक्षा के कार्यकर्ता हो, बजरंग दल के कार्यकर्ता हो, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हो, या RSS के कार्यकर्ता हो, या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, उन तमाम लोगों को टारगेट कर उन्हें मारने की कोशिश कर रहे। मुझे अफसोस लग रहा है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री हिजाब के ऊपर बात करते लेकिन हर्षा के ऊपर अब तक उनका स्टेटमेंट नहीं आया। तेलंगाना के IT मिनिस्टर KTR हिजाब के ऊपर ट्वीट करते लेकिन हर्षा के ऊपर, एक हिंदू भाई के ऊपर अब तक उनका ट्वीट नहीं आया। अम्मा कविता अम्मा हिजाब के ऊपर बात करी लेकिन अब तक हर्षा के ऊपर उनका ट्वीट नहीं आया। शर्म की घटना है, शर्म की सरकार है। हमारी मांग क्या है? हमारी मांग यही है कि हिंदुस्तान में जितने भी हम लोग रहते शांति से रहने का काम हम करना चाहते, और देख सकते कि कल तेलंगाना में करमन घाट के एक ऐतिहासिक मंदिर में गौ रक्षा करने वाले हमारे 4-5 कार्यकर्ताओं के ऊपर भी कुछ 40-50 लोग तलवारें चाकुएं लेकर उनके पीछे पीछे लगकर उनको मारने का काम करी। मैं तेलंगाना की पुलिस ये बात ध्यान में रखे कि गौ रक्षा के कार्यकर्ता के ऊपर, बजरंग दल के कार्यकर्ता के ऊपर, किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर हमला हुआ तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद यही है कि हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम लोग हमें मिलकर रहना चाहिए। दुनिया हमारे तरफ देख रही है, दुनिया का मकसद है हिंदुस्तान को तोड़ने का, लेकिन हिंदुस्तान का मकसद यह होना चाहिए कि हम एकजुट रहकर दुनिया को झुकाने का काम करना चाहिए और जल्द से जल्द फांसी की सजा हर्षा जो बच्चा है उसके फांसी के सलाखों में जल्द से जलना चाहना चाहिए। करमन घाट में जो कल रात में गुंडागर्दी हुई, जो बच्चों की जाने लेने का काम किया उनके ऊपर भी जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए, नहीं तो DGP ऑफिस हो, प्रगति भवन हो,
कमिश्नर ऑफिस हो, हम उनका घेराव करने के लिए बिल्कुल भी पीछे हटने वाले नहीं है। बोला जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय, जय 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 माता।